तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द अल्टीमेट रिव्यूअर। तो आज हम रिव्यू करेंगे सैमसंग का 24-70mm f/2.8 लेंस, जो कि फुल फ्रेम लेंस है और ये सोनी के फुल फ्रेम कैमरा के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास है सोनी का A7C जो कि एक फुल फ्रेम कैमरा है। तो इस कैमरा बॉडी में हमने लगाया है ये सैमसंग का लेंस। तो इस लेंस में एक तो दिक्कतें क्या क्या हो रही है वो मैं बताता हूँ। ऑप्टिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, कंस्ट्रक्शन भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो इसका कस्टमर सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिला है। अभी तक मैंने ढूंढा था तो यहाँ पर सिर्फ सेलर का ही नाम बताया गया है, वो भी दो ही सेलर, एक साउथ में और ये नॉर्थ में, दो सेलर हैं। तो कस्टमर सपोर्ट के लिए मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिला। अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही है मेन, देखो अभी ये हमने 24mm पे सेट किया हुआ है, बट अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लगा देता हूँ तो ये यहाँ से ढीला होता हुआ, काफ़ी भारी लेंस है ना, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो ये देखो अभी 24 से 35 पहुँच गया है और धीरे धीरे करके ये 35 से भी आगे जा रहा है। इस तरह से ये लूज़ हो जाता है अगर मैं इसको ऐसे माउंट कर देता हूँ। तो देखो 35 तक ये पहुँचा, इसके बाद भी ये आगे जा रहा होगा, तो इतना ज़्यादा गैप आ जा रहा है, 24 पे ही सेट नहीं हो रहा है अगर मैं इसको इस तरह से माउंट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर इतना माउंट हो जाएगा कि 40 के अराउंड पे रुक जाता है और लेंस काफ़ी हैवी है तो सिंगल हैंड यूज़ के लिए तो बहुत दिक्कत करता है, अभी भी हाथ में दर्द होने लग गया है। तो अगर आप ब्लॉगिंग का सोच रहे हैं तो इसको मत लेना, कस्टमर सपोर्ट का इसमें कुछ अभी तक मुझे मिला नहीं है। और हालांकि इसके ऑप्टिक्स अच्छे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छी क्लियरिटी की आती है इसमें और वीडियो स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट अभी जो ये दिक्कत आ रही है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको कुछ पता हो इसके बारे में कि कहाँ पर इसका कस्टमर सपोर्ट है, मैं रहता हूँ देहरादून में और देहरादून में इसका मुझे लगता नहीं कि कोई भी कस्टमर केयर सर्विस सेंटर होगा, तो फिर भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बस मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मैं इसको इस तरह से माउंट कर देता हूँ तो ये 35 से 40mm के बीच में रुकता है। उससे पहले ये 24 पे ही होल्ड कर लेता था, लेकिन काफ़ी हैवी होने की वजह से ये जो इसका लेंस है ये लार्ज हो जाता है और ये 35-40 के अराउंड पे यहाँ पर ही रुक पाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हालांकि अगर आप इसको इस तरह से यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लैरिटी वगैरह सब सही रहेगी, बट अब मैं वीडियो कुछ इस तरह से अगर बनाता हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो तो मुझे दिक्कत आती है, 24 पे ये सेट नहीं हो पाता है, तो 35, 40 और 50mm पे ही मुझे शूट करना पड़ता है। तो ये था एक रिव्यू फीडबैक, अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो तो मत लीजिए, वही ले लीजिए जिसमें कि आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाए और बहुत हैवी है, ब्लॉगिंग तो आप इससे कर ही नहीं सकते हो। अभी ये 3 मिनट का जो वीडियो बनाया है हाथ से पकड़ कर बना रहा हूँ तो मुझे बहुत पेन होने लग गया है, और 1.5 किलो का ये लेंस है, 500 के अराउंड का ये है, तो कम से कम पूरा 2 किलो का सेटअप हो जाता है ये। तो 3-4 मिनट के लिए आप अगर वीडियो बना रहे हो, ऐसे ही ब्लॉगिंग करने का सोच रहे हो कि सिंगल लेंस से पकड़ के मैं इसका वीडियो बना सकूं, तो बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसको अवॉइड कीजिए, कोई और लेंस लीजिए जो कि लाइट वेट हो, जैसे कि टैमरॉन है, टैमरॉन का एक 24-70 जो लेंस है वो इससे थोड़ा लाइट वेट है और उसका कस्टमर सपोर्ट शायद अच्छा होगा। तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव उसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये कैमरा या फिर कोई भी बॉडी इसमें से या फिर यही लेंस ख़रीदना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि कितने का आपको ये कैमरा मिल रहा है या फिर कितने का आपको ये लेंस मिल रहा है। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।